फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज ये बता रही हूँ आपको खाना खाने के बाद कौन सी दो तीन चीजें की जाती हैं जिससे आपका पाचन दुरुस्त रहे, डाइजेशन अच्छा रहे और खाना जल्दी से पच जाए। और आप इसको वैसे भी रूटीन में शामिल कर सकते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और जो है आपको गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अगली भूख ना लगना उसकी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, लूज मोशन की प्रॉब्लम, ये सारी ठीक हो जाएंगी। मतलब इसका मूल ये है कि आपका लीवर अच्छे से फंक्शन करने लगेगा और आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। देखिए, इन चीजों से ही आगे जाके आपको डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, ये सारी चीजों का जिम्मेदार यही चीज होती है। तो आप अपना डाइजेशन ठीक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो खाना खाने के बाद आपको बैठना है वज्रासन में। देखिए, खाना खाने के बाद तो इसमें आपको बैठना ही बैठना है 10 मिनट तक कम से कम। देखिए, आज मैं एक और बात आपको बता दूं, ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप उसकी टेबलेट लेते हैं, तो उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं कि आपके डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है ज्यादा। मतलब आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा वो करते हैं, वो खराब करते हैं, तो उससे आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। उसके साइड इफेक्ट्स में ही ये है। तो अगर ब्लड प्रेशर आपको है हाई और आप उसकी टेबलेट लेते हैं तो आपका एसिड रिफ्लेक्स होता है, ऊपर आता है, मतलब चढ़ के, तो सारी प्रॉब्लम आपको होना ही होना है। तो उसके लिए आपको ये चीजें करना है। और अगर आपका डाइजेशन वीक है तो भी आपको ये चीजें करना है, बहुत अच्छी चीजें हैं। देखिए, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाइए आप कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटा भी बैठ सकते हैं। तो ये देखिए, आप इसमें देखिए वज्रासन में बैठने की सही विधि भी देख लीजिए, पीछे से मैं आपको बता देती हूँ, बैक से आपको पैर कैसे रखना है, आगे से तो आप देखते हैं घुटने फोल्ड किए हुए मेरे, बस ऐसे बैठना है सीधे इसमें, ठीक है। अब आप बैक साइड से देख लीजिए वज्रासन में पैरों की पोजिशन क्या होती है। देखिए, पहले दोनों आपके पैरों के अंगूठे आप मिला लेंगे और दोनों आपकी ये एड़ियां आपके हिप को टच करेंगी। ये देखिए, इस ऐसे आपको बैठना है, दोनों आपके पैर ऐसे रहेंगे, अंगूठे मिले हुए, एड़ियां दूर दूर, एंकल आपकी दूर दूर रहेंगी और अंगूठे दोनों आपस में टच रहेंगे, ठीक है। और आपको ये हिप पे एड़ियां टच करनी है अपने, और फिर आपको वैसे बैठना है सीधे स्ट्रेट। ये होती है इसकी सही पोजीशन वज्रासन में बैठने की, ठीक है। अब बहुत से ऐसे बैठ जाते हैं, तो वो गलत है, वो पोजीशन सही नहीं है। आपको ऐसे बैठ के हिप पे दोनों एड़ियां लगा के आपके अंगूठों को आपस में टच करके और ऐसे स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट थोड़ा सा फूला हुआ, बाहर निकला हुआ, गर्दन एकदम सीधी, नेक सामने देखते हुए ऐसे बैठना है आपको, स्ट्रेट होके बैक बोन आपकी स्ट्रेट रहेगी। अब इसके बाद देख लीजिए, आप वैसे ही बैठे बैठे करें तो और अच्छा है। देखिए, तो मैंने 10 मिनट आपको खाना खाने के बाद बताया, आप वैसे भी इसको कभी भी बैठ सकते हैं जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है। और देखिए, आप ये देख लीजिए, देखिए धनुष मुद्रा है, एक धनुष मुद्रा में क्या है, आपको ये तीनों फिंगर्स आपको यहाँ टच कर लेनी है और अंगूठा और फिंगर दोनों आपस में खुले हुए रहेंगे। ये देखिए, तीनों फिंगर्स यहाँ टच कर लीजिए और आपके अंगूठा और जो तर्जनी, जो लिटिल फिंगर है, वो खुली रहेगी। ये आपकी धनुष वाली पोजीशन है। तो धनुष मुद्रा क्या करती है, आपका आपके वेन्स की सफाई करती है, ये ब्लड को साफ करती है और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करती है और आपका डाइजेशन अच्छा करती है। ये दोनों तीनों चीजें इससे डिपेंड करती हैं। ब्लड में क्लोटिंग नहीं होगा, अगर ब्लड पतला होगा और अच्छे से बहेगा, साफ होगा, तो उसमें क्लॉट नहीं जमेगा, क्लॉट नहीं होने से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये धनुष मुद्रा है, ये भी आप खाना खाने के बाद करेंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और वैसे भी करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी वेन्स की सफाई होगी। तो ये धनुष मुद्रा है। अब तीसरा आता है इसमें मलासन। देखिए, मलासन भी आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और खाली पेट सुबह में शौच जाने से पहले भी कर सकते हैं, आप जब फ्रेश होने जाते हैं उससे पहले भी कर सकते हैं। मलासन को जो है माला मुद्रा भी कहा जाता है। देखिए, माला मुद्रा जैसे कैसे माला गोल 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 रहती है, उसी टाइप से आपको बैठना है,
मैं पहले भी बता चुकी हूं, आप पहले खड़े हो जाइए, दोनों पैर दूर दूर। अब आप दोनों पैरों को बेंड कीजिए और नीचे आइए, यहां हाथ रख के आप नीचे आइए, नीचे आइए, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, फिंगर्स को लॉक, और दोनों कोहनियों को, दोनों आपके एल्बोस को नीज पे टच कीजिए, घुटनों पे टच कीजिए, और इनसे घुटनों को फोर्स दीजिए, घुटनों को आसपास धक्का लगाइए दोनों आपके कोहनियों से। ये होती है माला मुद्रा यानी मालासन, बहुत अच्छी चीज है ये डाइजेशन के लिए, आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, गैस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी है ये, गैस ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है, सुबह में अगर किसी को सीधे पूरी तरह से फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है। सुबह में उठते ही आप ये मुद्रा बना के बैठ जाइए, आपको अगर पानी पीना है तो इसी मुद्रा में बैठ के आप पानी पी सकते हैं, और अच्छा है, एकदम से आपको फ्रेश हो जाएंगे आप जाके। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ बताई है, अब खाने के लिए आप देख लीजिए, अगर आप खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ और मिश्री का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। सौंफ और मिश्री ये दोनों पाचक होती हैं। मिश्री आपको शुगर वाली नहीं होना चाहिए, जो आपके जो है ताड़ के उससे बनती है रस से, वो वाली मिश्री होना चाहिए, धागे वाली मिश्री। तो फ्रेंड्स वाली मिश्री ले आइए, धागे वाली वो, और सौंफ को हल्का सा सेक के, आप चाहे पसंद करते हो तो उसमें थोड़ा सा आप जीरा भी डाल लीजिए सेक के, दोनों चीजें मिला के और उसमें मिश्री डाल के, और जो है वो बना के रख लीजिए कहीं भी जहां आप जाते आते ज्यादा फ्रिज वगैरह पे, और जो है उसको आप खाना खाने के बाद रेगुलरली खाएं, उससे भी आपका डाइजेशन अच्छा बना रहेगा, एसिड की प्रॉब्लम कम होगी, और बाजार का फास्ट फूड ये आपको बंद करना पड़ेगा अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो, देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching!